निकल रहा है तो उसमें आपका समर्थन है कांग्रेस का? कांग्रेस के नेता भी उसमें शामिल हो रहे हैं फुलंबरी में। फुलंबरी में आक्रोश मोर्चा निकला था, उसमें कांग्रेस के नेतागण शामिल हुए। जिलाध्यक्ष पण होते उपस्थित तिथं। और युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी थे उसमें। कांग्रेस ये जातिवादी या धार्मिक व्यवस्था के आधार में नहीं बनी हुई है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव के आधार पर बनी हुई पार्टी है और कांग्रेस की भूमिका एकदम स्पष्ट है, पहले देश और देश की जनता, ये कांग्रेस की भूमिका है। और हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें सर्वधर्म समभाव की जो भूमिका दी है उसको आगे ले जाने का काम कांग्रेस ने किया। अपने देश के बराबरी में कई देश को आज़ादी मिली, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं था और कांग्रेस जैसे विचारधारा नहीं थी करके कि वो देश की आज़ादी खत्म हो चुकी। लेकिन 75 साल आज देश में आज़ादी पर बरकरार बनी हुई है तो उसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और कांग्रेस विचार सोच यही रही है। और इसलिए हम किसी धर्म के किसी धर्म की व्यवस्था के आधार पर ये पार्टी काम नहीं करती। हमारे यहाँ पर हमारे देश की सीमाओं में हमारा मुस्लिम भाई भी है, हमारा क्रिश्चन भाई भी है, हमारा सिख भाई भी है और हमारा हिंदू भाई भी है। तो वहाँ पर हम सब लोग एक साथ हैं देश भारत माता को बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। तो हम कांग्रेस पार्टी की भूमिका एकदम स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी ये धर्म के आधार पर कोई भी राजनीति करना नहीं चाहिए। और जो आपने कहा है मैं उसको जानता हूँ और जो भी मुझे वहाँ पे अगर कुछ ने कार्रवाई करने वाले क्या कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याची चर्चा सगळीकडे चालली आहे। आपल्या इथं या औरंगाबाद मध्ये शिवरात्रीच्या दिवशीची घटना होती, रामनवमीच्या दिवशी घटना होती। त्या रामनवमीच्या घटनेच्या दिवशी काय घटना झाली तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, पोलिसांना सगळं माहिती होतं, हे जाणून बुजून आणि आम्ही डीजीला पण भेटलो, राहून आम्ही सांगितलं पोलीस महासंचालकाला की हे काय चाललं, मग अकोल्याला झालं, अनेक शहरामध्ये आम्हाला ते सांगितलं। बीजेपीची जिथं जिथं सत्ता आहे ते जनतेच्या मूळ प्रश्नाला डायव्हर्ट करण्यासाठी या पद्धतीने व्यक्त राज्य व्यवस्था निर्माण करण्याचं काम करते। मणिपूरमध्ये झालं, हरियाणामध्ये झालं, आता हरियाणामध्ये जेवढे पाडले जातात, तुम्हाला हरियाणामध्ये एक उदाहरण सांगतो, त्या हरियाणामध्ये मुसलमानांनी देऊळ पाडण्यासाठी काही बदमाश लोक जाणार होते पण मुसलमानांनी त्या पूर्ण मंदिराला घेराव केला आणि मंदिराचं रक्षण मुसलमानांनी केलं हरियाणामधल्या घटनेत। हे सांगायचं तात्पर्य आहे की जनता लोकांना वाटतं की असं होता का म्हणे, आम्ही पुन्हा गोविंदांना गावात नांदतो पण हे लोक मुद्दा मणिपूरमध्ये सगळं प्रधानमंत्री बोलायला तयार। म्हणून आम्हाला काँग्रेस पक्ष आमच्या आघाडीला केंद्रामध्ये प्रधानमंत्री पदावर अविश्वास आणावं लागला आणि आता प्रधानमंत्री बोलतील असं आपल्या सगळ्यांना वाटलं। म्हणजे ते बाहेर खूप सारं बोलतात, बाहेर मन की बात सांगतात, पण त्या ठिकाणी मणिपूरमध्ये बोलायचं, मणिपूरवर बोलायसाठी प्रधानमंत्र्यांचा वेळ नाही। तुम्हाला त्याच्यातलं खदानीचं नाही आहे तर तुम्हाला आता जे काही माहिती येते चीननी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपलं प्रस्थ जमवलेलं आहे, अरुणाचलमध्ये सुद्धा आपल्या इथं त्यांनी कब्जा करून ठेवलेलं आहे आणि चीनच्यासाठी या पद्धतीच्या व्यवस्था निर्माण करून देशाला चिरण्याचं काम भाजप आणि केंद्रातील सरकार करते हे त्याच्यातला उद्देश आहे। आपण आता महाराष्ट्रामध्ये आता चिमेचं आलं, आपल्या पालघर जिल्ह्यातले अनेक गावं गुजरात काम करत नका शकतात।